फिर स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर फर्स्ट के तहत हमारे अंतिम यूनिट नंबर 5, जिसके तहत हमने हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा अंतरा अणुबल या इंटर मोलिकुलर फोर्स कहते हैं। पहले बात करते हैं अंतरा अणुबल होता क्या है। सिंपल सा है कि जब हम बात करें कोई दो अणु हैं, क्या होता है जब हम किसी पदार्थ की बात करते हैं, उस पदार्थ में दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है, अंतरणुक या अंतरणुक आकर्षण बल कहलाता है। ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, वान डर वाल्स, आयन द्विध्रुव बल, आयन प्रेरित द्विध्रुव बल और अतिव्यापन आकर्षण बल होते हैं। और इन्हीं वान डर वाल्स बलों की बात करें तो ये भी कितने होते हैं, आगे चलकर 3 प्रकार के होते हैं अपनी अनोन्य क्रियाओं के द्वारा, अनुन्य क्रिया के द्वारा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले इसको वापस देख लेते हैं अच्छे से। मैंने क्या कहा, पदार्थ में क्या होता है अणु। अब पदार्थ की 3 स्टेट होती है, एक तो होता है सॉलिड, एक क्या होता है द्रव, एक क्या होता है गैस। अब सॉलिड स्टेट की जब आप बात करते हैं इस प्रकार से, तो इसमें क्या होते हैं, ये जो कण है इस प्रकार से ये पास होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक लग रहा होता है। परंतु जब मैं बात करता हूँ द्रव की, तो ये कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इनमें जो कण दूर दूर है, तो इनमें जो आकर्षण बल कार्य करता है वो थोड़ा कम करता है ठोस के मुकाबले। और जब आप गैस के अणुओं की बात करोगे तो ये थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं इस प्रकार से, किसके मुकाबले, द्रव के मुकाबले या ठोस से बात के सबसे दूर होते हैं अणु। और इनमें जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा सा और कम करता है ठोस व द्रव की तुलना में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वान डर वाल्स बल की। देखिए जब दो अणु समीप होते हैं या पास होते हैं, तो उस समय लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, वान डर वाल्स बल कहलाता है। जब दो अणु बहुत पास होते हैं उस समय उसके द्वारा लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, वान डर वाल्स बल कहलाता है। ये रोल कितने टाइप के होते हैं, अनन्य क्रिया के आधार पर ये कुछ 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ द्विध्रुव अंतर क्रिया की बात करता हूँ या द्विध्रुव अनोन्य क्रिया की मैं बात करता हूँ, ये क्या होता है। देखिए द्विध्रुव से पहले हम बात करते हैं, एक आता है ध्रुवीय, एक आता है हमारे पास ध्रुवीय आता है, एक आता है हमारे पास द्विध्रुवीय, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय क्या होता है, वह होगा जिसके अंदर प्लस में माइनस धनात्मक भी ऋणात्मक चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं। और जब अध्रुवीय की बात करोगे तो ये उदासीन होगा और इसमें किसी भी प्रकार का आपको धनावेश भी ऋणावेश देखने को नहीं मिलेगा। ध्रुवीय की बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह देखने को मिल जाएगा उस अणु के अंदर उदास। और जब अध्रुवीय की बात करोगे तो उदासीन होगा, किसी भी प्रकार का आपको धनावेश भी ऋणावेश देखने को नहीं मिलता है। जब इसकी बात करते हैं द्विध्रुव की बात करते हो, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, कोई दो अणु ले लेते हैं, द्विध्रुव वाले अणु ले लेते हैं, पोलर अणु ले लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं पोलर वाले, ठीक है। अब लोगे ना, अब माना कोई ये एक अणु है, द्विध्रुव का अणु है, ध्रुवीय अणु है। इस जो द्विध्रुव का अणु है ना, इसके जो ऋणात्मक भाग है, क्या होता है, इसका जो ऋणात्मक भाग है वो अन्य अणु की जब हम बात करोगे,
अन्य अणु की जब हम बात करते हैं तो उसका जो धनात्मक भाग है उससे क्या होता है, आकर्षित होता है। वापस सुन लीजिए, जब एक अणु का ऋणावेशित भाग अन्य अणु के धनावेशित भाग के, और क्या शर्त होनी चाहिए, दोनों के अणु ध्रुवीय होने चाहिए, तो इस प्रकार का जो आकर्षण बल लगता है, इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, द्विध्रुव अनुन्य क्रिया, द्विध्रुव अंतःक्रिया कहलाती है। क्या लगता है इनके अंदर, आकर्षण बल। ठीक है, लिख लेते हैं, जब दो ध्रुवीय अणु में एक ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग दूसरे ध्रुवीय अणु के धनात्मक भाग से आकर्षित हो, क्या हो, आकर्षित हो, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है या अणु की क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, द्विध्रुव द्विध्रुव अणु की क्रिया कहलाती है। इसका डायग्राम है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, द्विध्रुव प्रेरित अणु की अंतःक्रिया की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या लेते हैं, इसके अंतर एक तो होता है द्विध्रुव इस प्रकार से, और एक क्या होता है, द्विध्रुव अणु होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम ध्रुवीय अणु को अध्रुवीय अणु के पास लेकर आते हैं, इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं द्विध्रुव प्रेरित अंतःक्रिया की, जब बात करोगे तो एक ले लेते हैं ध्रुवीय अणु। अब ध्रुवीय अणु को अध्रुवीय अणु को जब पास लिया जाता है जिस भाग की तरफ, जैसे ध्रुवीय अणु है इसके ऋणात्मक भाग की तरफ अगर अध्रुवीय अणु है तो उस पर क्या होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार से, और इस अध्रुवीय अणु की पर भी क्या होता है, इस पर भी विपरीत, आधे भाग विपरीत आवेश विपरीत हो जाएगा इस प्रकार से ऋणात्मक भाग। तो जो अध्रुवीय अणु है ना वो ध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करेगा, अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात ये इसका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, द्विध्रुव प्रेरित अंतःक्रिया कहलाती है। मतलब द्विध्रुव के द्वारा हमने एक ध्रुवीय अणु को क्या किया, प्रेरित किया है ध्रुवीय होने के लिए, तो यही क्रिया क्या कहलाएगी, द्विध्रुव प्रेरित अंतःक्रिया अंतःक्रिया कहलाती है। हम बात करते हैं तीसरे की, तीसरा क्या, प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया अंतःक्रिया देखते हैं। देखिए हम ये वापस एक्स में द्विध्रुव अध्रुवीय अणु है, ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, फिर क्या होता है, कुछ क्षण के लिए इस पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक एक तरफ क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश, एक तरफ तो ऋणात्मक एक तरफ क्या हो जाता है, धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है कुछ क्षण के लिए, यही एक प्रकार का दूसरा अणु है इसी प्रकार से। तो इस प्रकार में अणु में जो क्रिया लग रही होती है, क्रिया हो रही होती है अणुनी क्रिया, वही क्या कहलाती है, प्रेरित द्विध्रुव अणुनी अंतःक्रिया कहला रही होती है। आप इसे देख लेते हैं, मैंने क्या कहा, जब कोई दो द्विध्रुव अणु हैं उन द्विध्रुव अणु के लिए कुछ समय के लिए क्या होता है, ध्रुवण हो जाता है, उनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और एक अन्य अणु लेते हैं उसके अंदर भी कुछ क्षण के लिए
धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह उत्पन्न हुआ है तो उनके मध्य होने वाली क्रिया को हम क्या कर ले, अनोनी क्रिया को प्रेरित द्विध्रुव अंत्यक्रिया कहा जाता है। जब हम बात करते हैं प्रेरित द्विध्रुव अनोनी क्रिया के अंत्यक्रिया की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंडन बल भी कहते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उनके मध्य क्या उत्पन्न होता है, लंडन बल भी उत्पन्न होता है। अब क्या होता है कि हम बात करते हैं पहले द्विध्रुव द्विध्रुव अनोनय क्रिया की बात करते हैं, उसके लिए ऊर्जा क्या होती है, अनोनय क्रिया के लिए ऊर्जा कुछ इस प्रकार से होती है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं द्विध्रुव प्रेरित अनोनय क्रिया की बात करते हैं उसके लिए ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। और जब हम बात करते हैं लंडन बल तो उसके लिए ऊर्जा का मान क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है। देखिए हम दूसरे प्रकार की जो बल की बात करेंगे वो बात करेंगे आयन व द्विध्रुव बलों की बात करेंगे। जब आयन व द्विध्रुव के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उसी के कारण क्या उत्पन्न होता है, आयन द्विध्रुव बल उत्पन्न होता है। किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसकी बात कर लेते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए ये मेरे पास कोई भी NCl अणु है, ये आयन के रूप में कुछ इस प्रकार टूटेगा Na+Cl-, किस प्रकार से टूटता है Na+ और Cl- के रूप में टूटता है। आपको जल को पता होगा जल का अणु किस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन तो ऋणात्मक ही होता है तो पॉजिटिव चार्ज। जब मैं इसको जल में इसको डाला जाता है, क्या डाला जाता है, जल के अंदर इसको डाला जाता है तो अब क्या होगा, जो जल में जो इसका धनात्मक ऋणात्मक भाग है वो इसकी तरफ आकर्षित होगा कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव है, इस प्रकार से आकर्षण बल आपको दिखाएगा ये, और इसकी दूसरी तरफ आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज है H+ का, ये रहा इस प्रकार से। ये इसके जल के अणु इसको इस प्रकार से घेरे हुए रखते हैं और जो आकर्षण बल लगाता है इसी को बोलते हैं हम आयन द्विध्रुव बल कहते हैं, इस आकर्षण बल को। और जब Cl- की बात करोगे तो इसमें क्या होगा, इसके जल के अणु इसको इस प्रकार से घेरे हुए रखेंगे, इस प्रकार से। इसको थोड़ा सही तरीके से और बना सकते हैं, अगर मैं बात करूं Na की, ये प्लस है तो इसको जो घेरने वाले आयन है इस ऋणात्मक, यहां पर आ जाएगा धनात्मक। ठीक है, अगर Cl की माइनस की बात करोगे तो इसको घेरने वाले कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आने वाले दो ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए हम बात करेंगे इनके आकर्षण बल की त्रिज्या पर निर्भरता की बात करेंगे। देखिए आयन द्विध्रुव बल की बात करोगे इसकी जो त्रिज्या होती है वो R^-2 पर निर्भर करती है। ठीक है, और आयन प्रेरित द्विध्रुव की बात करोगे इसकी जो त्रिज्याएं हैं वो R^-4 पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे और अतिव्यापन आकर्षण बल की बात करोगे इसकी जो त्रिज्या है वो R^-9 से लेकर R^-12 तक निर्भर करती है। अब देखिए तीसरे प्रकार के हम बल की बात करेंगे, यह आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल है। ये देखिए किस पर लगता है, ये लगता है आयन, और अब जिस प्रकार से हमने बात की थी कि ये हमने क्या लिया था, कोई भी एक ध्रुवीय अणु लिया था और ये था हमारे पास अध्रुवीय अणु। अब इसको हमने प्रेरित किया था और इस पर क्या ध्रुवण आ गया था। अब जो हमने द्विध्रुव के द्वारा प्रेरित
ध्रुवाणु बनाया था उनके मध्य और आयन के मध्य लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? आयन परिद्विध्रुव बल कहते हैं। ठीक है, मतलब जब हमने द्विध्रुव के द्वारा एक अध्रुवाणु को उसको ध्रुवण उत्पन्न करके उसको ध्रुवीय बनाया था, प्रेरित किया था उस अध्रुवाणु को, उसके मध्य और आयन के मध्य लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? आयन परिद्विध्रुव बल कहते हैं। अब आ जाता है अतिव्यापन आकर्षण बल। जब हम बात करते हैं कोई भी ध्रुवीय अणु, या सिर्फ हम बात कर लेते हैं अणु की बात कर लेते हैं, क्या जाते बहुत निकट आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, तो उनका क्या आ जाता है? अतिव्यापन। जब कोई दो अणु है बहुत अधिक पास पास आ गए हैं तो उनका क्या जाता है? अतिव्यापन। अतिव्यापन होने के बाद में उनके जो नाभिक है वे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं। जब दो अणु है बहुत पास पास आए, पास पास आने के कारण उनके अतिव्यापन हो चुका है। अतिव्यापन होने का नाभिक वे इलेक्ट्रॉन की बात करें, नाभिक वे इलेक्ट्रॉन की बात करें, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण के कारण जब प्रतिकर्षण करते हैं तो इस प्रकार जो बल उत्पन्न होता है, जो बल उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अतिव्यापन आकर्षण बल कहते हैं। इस प्रकार के जो बल है उसको क्या बोलते हैं? अतिव्यापन आकर्षण बल कहते हैं। मैंने क्या कहा, इसकी जो त्रिज्या है जो बल की, वो आर की पावर 9 से लेकर आर की पावर माइनस 12 तक निर्भर करती है। अगर इसकी त्रिज्या केवल आर की पावर माइनस 2 तक ही निर्भर करे तो इस प्रकार का जो आकर्षण बल है अतिव्यापन के दौरान, केवल इसकी जो त्रिज्या है आर की पावर माइनस 2 पर ही निर्भर करे तो इस प्रकार आकर्षण बल दीर्घ क्षेत्रीय आकर्षण बल कहलाता है। और अगर इसकी जो त्रिज्या है आर की पावर माइनस 9 तक निर्भर करे, सॉरी 6 तक निर्भर करे, तो इस प्रकार का आकर्षण बल क्या कहलाता है? लघु क्षेत्र आकर्षण बल कहलाता है। इस प्रकार का आकर्षण क्या कहलाता है? लघु क्षेत्र आकर्षण बल कहलाता है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसे कमेंट्स में उसे लिख दीजिएगा, आने वाले क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।